नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजद पार्टी के अंदर नाराजगी देखने को मिली थी, वहीं अब कई दिनों से वो पार्टी कार्यालय में जगदानंद सिंह नहीं पहुंच रहे हैं। अब इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने अपना बयान जारी किया है और उनकी नाराजगी को बस मीडिया में उड़ाई खबर बताया है। भारत सरकार ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए अपनी वीजा नीति में कुछ बदलाव किए हैं। इस बदलाव का मकसद अफगानिस्तान में फंसे लोगों की मदद करना है। इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ई इमरजेंसी एक्स मिस्क वीजा कैटेगरी की शुरुआत कर दी है। केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के भागलपुर समेत देश के 10 शहरों में हथकरघा को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए नई पहल की गई है। भागलपुर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कन्नूर, इंदौर, नागपुर, मेरठ और पानीपत के बुनकर सेवा केंद्रों में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा 10 और हैंडलूम डिजाइन रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे। शहर के आजाद पार्क में पर्वत पुरुष दशरथ मांझी की 14वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि दशरथ मांझी यदि विशेष समाज से होते तो कितनी अच्छी बात होती। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दोहराया कि उनके पास पेगासस जासूसी मामले में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की तरफ से कहा कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में बिहार के प्रारंभिक स्कूल में पढ़ने वाले 1,29,6682 छात्र छात्राओं को एक सप्ताह में किताब खरीदने के पैसे मिलने लगेंगे। शिक्षा विभाग इसको लेकर 402,71,15,200 रुपए खर्च करेगा। किताब क्रय की राशि मौजूदा सत्र में दूसरी से आठवीं कक्षा तक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के खाते में दी जाएगी। अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके तालिबान ने भारत को लेकर एक बार फिर से बयान दिया है। तालिबान ने कहा है कि भारत को अफगान ने अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब की विकास परियोजनाओं पर निवेश किया है। दूरसंचार विभाग के तकनीकी और सुरक्षा निदेशक के एन रॉय ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि आईपीनेट कंपनी तरंग केबल नेटवर्क बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज सहित कई जगहों पर इंटरनेट सेवा दे रही है, जिससे सरकार को बहुत ही नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों का उत्साह बढ़ाया। टोक्यो पैरालंपिक्स का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के बीच होने वाला है। भारत ने मंगलवार को अफगानिस्तान के राजनयिक सहित नागरिकों को तालिबान के कब्जे से बाहर निकाल लिया है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान C-17 120 यात्रियों को लेकर काबुल हवाई अड्डे से भारत के लिए रवाना हुआ। देश में सोमवार को रिकॉर्ड 87.87 लाख लोगों को वैक्सीन के टीके लगाए गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब टीके की पहली डोज लगवाने के मामले में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों की संख्या 45 से ज्यादा उम्र के लोगों से काफी ज्यादा है। मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि पेट्रोल डीजल के ऊपर लगने वाले टैक्स में किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने दो टू कहा है कि अभी पेट्रोल डीजल के ऊपर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में कटौती का सवाल ही नहीं उठता है। अगला T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। पहला मुकाबला ओमान, पापुआ न्यू गिनी की नई नवेली टीम के बीच होगा। भारत 24 अक्टूबर को अपना पहला मैच खेलेगा, उसके सामने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान होगा। भारत पाकिस्तान का यह मैच इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 साल बाद दोनों टीम एक दूसरे के सामने होगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कई विशेषज्ञों के द्वारा कोरोना वायरस महामारी की संभावित तीसरी लहर की चेतावनी जारी करने के बीच COVID-19 रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार इस तरह के प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य COVID-19 रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाना है। तालिबान संकट के बीच काबुल से भारत पहुंचे भारतीय राजदूत रुदेंद्र टंडन ने कहा है कि अफगानिस्तान में हालात तेजी से बदल रहे हैं। जामनगर पहुंचने पर भारतीय राजदूत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि हमने अफगानिस्तान में लोगों को छोड़ दिया है। राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए संबोधन में कहा कि देश भर में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। ये कृषि कानून मूल रूप से भारतीय कृषि क्षेत्र की रीढ़ को नष्ट कर देंगे। IMD के महानिदेशक के मुताबिक अगले 5 दिनों में बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में व्यापक बारिश हो सकती है। दिल्ली में 18 से 22 अगस्त के बीच बारिश होगी और इस दौरान 19, 21 और 22 अगस्त के लिए येलो अलर्ट और 20 अगस्त को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने हाल ही में टीकाकरण के बाद स्वास्थ्य कर्मियों के दोबारा संक्रमित होने के आंकड़े को साझा किया है। सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि जिन भी स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना टीके की डोज ले ली थी उनमें से केवल 2.5% स्वास्थ्य कर्मी ही दोबारा कोरोना की चपेट में आए हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की तबीयत फिर बिगड़ गई है। चोपड़ा मेडल जीतने के 10 दिन बाद मंगलवार को पानीपत पहुंचे स्मालखा के हल्दाना बॉर्डर के पास उनका काफिला गांव खंड्रा पहुंचा था। खंड्रा में बीच स्वागत कार्यक्रम से नीरज को मंच से पीछे ले जाना पड़ा। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मंगलवार को नया इतिहास रच दिया है। मंगलवार के कारोबार में टीसीएस का शेयर नई ऊंचाई पर पहुंच गया। शेयर में तेजी से टीसीएस का मार्केट कैप पहली बार 13 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। नए पोर्टल को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले कुछ दिनों में नए आयकर पोर्टल में तकनीकी खामियां काफी ज्यादा हद तक ठीक हो जाएंगी। नई वेबसाइट इन्फोसिस ने इसे तैयार कर लिया है। इन्फोसिस के प्रमुख नंदन नीलेकणी से बातचीत भी कर ली गई है। भारत ने 24 घंटे में कोविड 19 टीके की 88.13 लाख से अधिक खुराक दी है, जो एक दिन में सबसे अधिक खुराक लगाने का रिकॉर्ड है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को दी है। कांग्रेस नेता रिपुन बोरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरी तरह टीका लगवा चुके लोगों की असम में कोविड 19 जांच रोकने की अपील करते हुए कहा कि यह कदम महज संसाधनों की बर्बादी और लोगों का उत्पीड़न है और इससे टीकाकरण कार्यक्रम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। फेसबुक ने तालिबान पर सख्ती बढ़ा दी है, जिसके तहत फेसबुक ने कहा है कि उसके नए प्लेटफॉर्म से तालिबान और उनका समर्थन करने वाले सभी कंटेंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह ग्रुप आतंकवादी संगठन मानता है। सीधे उपभोक्ता को सामान बेचने वाली कंपनी एमवे इंडिया ने ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता मीराबाई चानू को एमवे और अपने न्यूट्रीलाइट उत्पादों की श्रृंखला के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 16,488 घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने बयान जारी कर जानकारी दी है। बता दें कि अब तक स्वीकृत घरों की कुल संख्या 1.13 करोड़ से अधिक पहुंच चुकी है। फ्लिपकार्ट के बाद अमेजोन की भी रक्षाबंधन सेल शुरू हो चुकी है। यह सेल 19 अगस्त तक चलेगी। अमेजोन सेल में 40% तक छूट, नो कॉस्ट ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहे हैं। अगर आप भारी छूट के साथ कुछ खरीदना चाहते हैं तो इससे बढ़िया ऑफर शायद नहीं मिलेगा। कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर से कई देश में बढ़ चुका है। इनमें कई देश ऐसे हैं जहां डेल्टा वेरिएंट के केस अधिक सामने आ रहे हैं। WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस का अत्यधिक तेजी से फैलने वाला डेल्टा वेरिएंट जल्द ही दुनिया भर में कोरोना का बड़ा स्ट्रेन बन जाएगा। केंद्र सरकार यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के निजीकरण की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। हालांकि अभी इस प्रस्ताव को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन इस ग्रुप से प्रस्ताव पास होने के बाद सरकार इस दिशा में एक कदम और बढ़ा देगी। कौन बनेगा करोड़पति 13 का नया प्रोमो वीडियो सामने आया है। इस प्रोमो वीडियो में अमिताभ बच्चन बेहद जोश में नजर आ रहे हैं और वो अपने ही अंदाज में शो का शुभारंभ करते हुए नजर आ रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है इनायत करीम, ओमकार सिंह, भावेश कुमार, राकेश कुमार, दिलीप कुमार, वाल्मीकि कुमार, अनुज कुमार, आनंद कुमार, गुड्डू कुमार, अशोक ठाकुर, मनीष कुमार, प्रिया, प्रीतम, उदय सेज। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार केंद्र सरकार के कृषि कानून किसानों के हित में है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।